दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है, कोई भी बंदा YouTube पे जाके सर्च करता है, मान लो हाउ टू मेक प्रोफेशनल लोगो, लेकिन दोस्तों आपका वीडियो पहले से अपलोड करा हुआ है और आपका वीडियो भी सर्च रिजल्ट में शो हो रहा है, लेकिन कोई भी बंदा आपके वीडियोस पर क्लिक नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपका जो वीडियो का थंबनेल है वो क्रिएटिव नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए दोस्तों आपके वीडियोस पर कोई भी क्लिक नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है, आपका जो वीडियो का इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट है वो डाउन हो रहा है और आपके वीडियोस पर व्यूज़ आना बंद हो रहा है। और सब्सक्राइबर की तो बात ही नहीं करें, आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो सब्सक्राइबर कैसे आएंगे? और आप बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हो लेकिन आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो। अगर आपका थंबनेल की वजह से आपका वीडियोस पर कोई भी क्लिक नहीं कर रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो, इस तरीके का आप थंबनेल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों टाइम बिना वेस्ट के चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सेलैब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको पिक्सेलैब एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड वगैरह करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर लेना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू टेक्स्ट, आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपको डिलीट पर क्लिक करके और आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। सो ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो थ्री लाइन, आपको उसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज साइज, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीसेट, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्लस वाला आइकन, आपको उसी के ऊपर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तो वीडियो पर मैं जो जो मटेरियल्स यूज़ करूँगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं इसका जो बैकग्राउंड है सिलेक्ट कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको सेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करके इसको लॉक कर लेना है। यहाँ पर आपको दोबारा प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक फोटो सिलेक्ट कर देता हूँ, ये ताकेश भाई का फोटो है। यहाँ पर मैं सिर्फ डेमो दिखाने के लिए गूगल से मैं डाउनलोड किया है, तो इसको यहाँ से मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको यहाँ से ऐसे साइज कर लेना है और आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको पूरा सेट कर देना है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ से लॉक कर लेना है। सो लॉक करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपने जो चैनल का लोगो है वो सिलेक्ट कर देना है। अब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको भी यहाँ से सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि इस तरीके का लोगो आपको भी क्रिएट करना है तो आपको उसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। या तो इस वीडियो पर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हो और आप एक प्रोफेशनल लोगो भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको क्लिक करके मैं यहाँ से इसको भी सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो दोनों फोटो है वो एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके इसको भी लॉक कर लेना है। सो लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसको क्रॉप कर लेना है और जो सब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। इसको मैं यहाँ पर मैनेज कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ से ऐसे छोटा करके और यहाँ से आपको इसको ऐसे थोड़ा सा कम कर लेना है। और अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो कलर पर क्लिक कर लेना है और इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट कलर, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो अब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसको मैं और थोड़ा साइज कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको भी लॉक कर लेना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको टेक्स्ट डाल देना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कस्टम। यहाँ पर इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। तो अब आपको इसको टेक्स्ट वगैरह करने के बाद आपके हिसाब से यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर एबी फॉन्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर माई फॉन्ट पर जाके मैं यहाँ से गौतम नारो अल्ट्रा सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको ये फॉन्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको ऐसे सेट कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से दोबारा से टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको लोगो टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पर फॉन्ट पर जाके और यहाँ से गौतम नारो अल्ट्रा सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट वगैरह करने के बाद आपको यहाँ पर कलर पर जाके और यहाँ पर आपको ग्रेडिएंट पर चले जाना है और यहाँ से आपको
इसका जो कलर है वो चेंज कर देना है। तो मैं इसको रख लेता हूँ, आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। चलिए इसको थोड़ा सा साइज कर देते हैं। और दोस्तों फिर से आपको टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इन वन मिनट तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है और इसको आपको यहाँ पर सेट कर देना है। तो इसका जो कलर है यहाँ से कलर पर जाके आपको यहाँ पर इसका जो कलर है इसको सिलेक्ट कर देना है। कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक, आपको इसको सिलेक्ट करके इसको एनेबल कर लेना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको दो के आसपास रख देना है और यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर लेना है। सो डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये सब लॉक कर लेना है और लॉक करने के बाद आपको इसको यहाँ से अनलॉक करके और यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टॉक पर जाना है और इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक सिलेक्ट करके और इसको आपको ज़्यादा नहीं यहाँ पर 5 या 6 रख देना है। चलिए मैं 5 पर रख देता हूँ। अब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे स्लाइड करके यहाँ पर शेडो को इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर आपको ब्लर रेडियस को 5 या 6 तक रख लेना है और रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफसेट आपको यहाँ से कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोबारा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यूट्यूब का जो लोगो है सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल लुक दे रहा है। आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो आपको कैसा लगा। तो उम्मीद है कि गाइस आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल घंटी को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है ताकि इस रिलेटेड वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।